Radio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं भाई कैसे टीनू। मैं योगेश कुमार, आइए नजर डालते हैं आगे ताजा स्टूडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं भाई की सिटी न्यूज। आगरा के थाना जगनेर क्षेत्र में एक दुकान में हुई चोरी की घटना का आगरा पुलिस ने किया खुलासा। आपको बता दें कि बीती 18 फरवरी को जगनेर थाना क्षेत्र में शिवम मोटर्स नाम की दुकान पर चोरी हुई थी, जिसमें एक अज्ञात चोर फोन और लैपटॉप और नकदी चोरी की थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने चोर की धरपकड़ के लिए प्रयास शुरू कर दिया। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि जगनेर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली, एक व्यक्ति चोरी के सामान को बेचने जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने एक लैपटॉप, एक एमआई का फोन, एक डिजिटल कैमरा और एक 1500 रुपये नगद बरामद किए। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया, पकड़े गए आरोपी युवक आंसू से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह युवक बीएससी का छात्र है और अपनी महिला मित्र को खुश करने के लिए एक मोबाइल गिफ्ट देने के लिए चोरी की घटना को अंजाम। बाइक सिटी न्यूज से हरजीत सिंह, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट आगरा से। दिनांक 18 तारीख को थाना जगनेर पर सूचना मिली कि कस्बे में एक दुकान है, शिवम मोटर्स की दुकान, जिसमें रात्रि में चोरी कर ली गई और चोरी में एक लैपटॉप, एक मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा और 1,15,000 रुपये चोरी हुई, जिसका तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें लगाई गई थी। आज सुबह उस चोर को, जो कस्बे का ही रहने वाला है आशु, उसको गिरफ्तार कर लिया है। उस लड़के के पास से चोरी की गई समस्त सामग्री पूरी बरामदगी कर ली गई है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वो बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र है और आगरा शहर में रहकर कोचिंग करता है। अपनी महिला मित्र को मोबाइल फ़ोन देने के लिए उसने इस पूरी चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इस अभियुक्त के पास से चोरी की गई समस्त सामग्री और पैसे बरामद कर लिए गए हैं। अभियुक्त को जेल भेजा गया है। अभी तक जानकारी में कोई पुराना इतिहास अपराधी नहीं है। गर्लफ्रेंड गिफ्ट देवे गिफ्ट देवे 18 रुपये।